हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ मेरे दोस्त जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। सो मैं लेके आया हूँ आपके लिए दूसरा रेडियो। यह है भैया नैलको का, नैलको टापी ट्रांजिस्टर रेडियो है। और ये मेरे एक दोस्त हैं नांदेड़ के, उन्होंने भेजा था। सो मैं इसका रिव्यू थोड़ा समय का कर लूँ। आज टाइम नहीं मिला, रखा है काफ़ी दिन से ये रेडियो, इसका ना ये धागा उतरा हुआ है, लेकिन मुझे टाइम ही इतना भी टाइम नहीं मिला कि इसका धागा चढ़ा दूँ। यार ये ऐसे ही रखा है, ये धागा उतरा हुआ है नीचे से, पुली से, क्योंकि इसमें नीचे ड्रम दो हैं, वो ड्रमों का हिसाब किताब मुझे नहीं लग रहा, तो इसलिए इसको रखा हुआ ऐसे ही। फिर दिन फ्री टाइम में करूँगा, क्योंकि ड्यूटी भी होती है। इसका स्पीकर ख़राब था इसमें, फिर मैंने फिलिप्स का स्पीकर डाल दिया, जवान का। इसका स्पीकर तो था लेकिन ओरिजिनल था, लेकिन वो ज़्यादा पुराना हो गया था और हल्का हल्का उसको कीड़े ने भी खा रखा था, तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो दूसरा स्पीकर डाल देता हूँ। वैसे वो चल रहा है रेडियो, अच्छा चलता है। अभी ऑन करके दिखाता हूँ, देखो। आप नाम लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा स्थान है इसका, साउथ चलता ईस्ट बहुत अच्छा एशिया। है, बहुत अच्छा चलता है। और इस रेडियो में क्वालिटी देखी है मैंने, ये जितना मर्जी आवाज़ कर लो उसका दबता नहीं है रेडियो, क्योंकि इसके आउटपुट पे ना ये ट्रांसफार्मर दिया हुआ है और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर लगे हैं, कैपेसिटर भी लगे हैं। और थोड़ा नज़दीक से जाओ तो कितना बढ़िया अच्छे से मतलब बनाया गया है रेडियो। छोटी सी प्लेट पे इतना कुछ लगा दिया कि प्रॉपर बना दिया रेडियो। जैसे मान लीजिए फिलिप्स के रेडियो होते हैं, उनमें कंपोनेंट इतने होते हैं कि बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है देख करके। काम उनका इनका भी यही है, उनका भी वही है, पता नहीं क्या बात है। फिलिप्स के रेडियो में देखोगे ना आप, तो जितना सामान इस प्लेट के अंदर लगा हुआ है, इससे दुगना सामान होता है फिलिप्स के रेडियो में, 4 सेल वाले में। और इसमें देखो मतलब चीज़ काम भी वही कर रही है, उसी क्वालिटी के सिग्नल दे रहा है। ड्यूल एंटीना कोइल दी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा बज रहा है। ये हमारी शॉर्ट वेव की कोइल है, ये हमारी मीडियम वेव की है यहाँ पर, और इन दोनों का बेस आपस में जुड़ा होता है और बढ़िया वर्क करता है रेडियो, अच्छा चल रहा है। बस ये इसका धागे की थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे एक बार मैंने चढ़ा भी दिया था, चल गया था, लेकिन फिर दोबारा से ड्रम से फिसल गया ये। अब ये धागा ही चेंज करना पड़ेगा शायद, ये वो धागा नहीं है जो चलता है इसमें। मेरे पास रखा है धागा इसके रेडियो पे चढ़ाने वाला, वो चढ़ाऊंगा और बढ़िया चलता है, ऐसा नहीं है। ये देखो दोस्तों, ये वाले ड्राम है इसमें नीचे दो, ये वाला जो सा ड्राम लगा हुआ है, ये वाला ऐसा ही ड्राम इसमें नीचे दो लगे हैं, वो मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, वो सिस्टम ही नहीं बैठता उसके ऊपर। जो कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं चढ़ता। और ये देखो ट्रांजिस्टर यहाँ पर, ये इसकी ऑक्सीलेटर कोयल, ये भी ऑक्सीलेटर कोयल है इसकी, ये शॉर्ट वेव की है, ये मीडियम वेव की है। और ट्रांजिस्टर बढ़िया ट्रांजिस्टर लगे हैं, डाइवर्ट भी अच्छे वाले लगा रखे हैं, कोयल बिल्कुल ओरिजिनल न्यू कोयल डाली हुई है अंदर, और स्विच अलग से लगा हुआ है। ये जर्मेनियम ट्रांजिस्टर 127 128 के लगे हैं दोनों, 187 188 नहीं है ये, 127 और 128 है। और ये हमारा आउटपुट का ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, इंडक्शन कोयल, और बाकी बढ़िया क्वालिटी के इसमें सारे सामान लगा हुआ, अच्छी क्वालिटी का है। और ये जो है इसकी रोड प्रॉपर इसी की रोड है ये, अगर इस पर आप थोड़ा बड़ा रोड भी लगाओगे तो वो आएगी नहीं, एडजस्टमेंट होगी ही नहीं इसके अंदर। ये रेडियो इसी हिसाब से बनाया गया है, रेडियो की फ्रिक्वेंसी सेटअप इसी हिसाब से है कि इस पर आप बड़ा रोड नहीं लगा सकते। अगर आप सोचते हो कि हाँ चलो हम बड़ा रेडियो बड़ा लगा करके इसको चला ले, ऐसा नहीं है, नहीं लगा पाओगे आप, बड़े वाला नहीं वर्क करेगा इसमें। और अच्छा रेडियो बजता है, अभी मैं चला के दिखाता हूँ आपको। डेवलप करने के लिए भी पैसा भारत सरकार ने दिया है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट अभी तक लैंड लॉक रहा है, जो हमारा इधर तो आ जाएगा लेकिन इधर नहीं जाएगा वापस, अब धागा फिसल रहा है ना, इस वजह से चल तो गया था। बहुत खास बात और मोदी जी ने आज कही कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को Thank you.
शोर बंद हो। इसमें खास बात ये है कि चूंकि ये भी सीपीसी के नुमाइंदे का काम कर रहा था, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और किसी दोस्त को ये रेडियो चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, बढ़िया रेडियो है। बाकी इसका धागा भैया कल चढ़ाऊंगा दिन में अगर टाइम मिला मेरे को, इसका ड्राम मेरी सिस्टम से बाहर आया। चलो कल बनाते हैं इसको फिर टाइम निकाल के, नहीं तो फिर रखा रहेगा, फिर किसी दिन फ्री टाइम में करेंगे। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।